हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। हाय दोस्तों, मैं अलका ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी यादों की डायरी से एक प्यारी सी प्रेम कहानी, नीलिमा। दोस्तों, लव एट फर्स्ट साइट सबको होता है और ये सिलसिला कहीं ना कहीं आज भी कायम है। ऐसा ही कुछ नीलिमा के साथ भी हुआ। नीलिमा दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर नीलिमा अब जॉब फाइंड आउट कर रही थी। पापा, मैं दी के पास रहने जाऊँ कुछ टाइम के लिए। नीलिमा अब मुंबई जाना चाहती थी, जहाँ उसकी बड़ी बहन शादी के बाद सेटल हो गई थी। अरे वहाँ क्या करोगी बेटा, नीलिमा की माँ उसे समझाती है। अरे माँ, मैं वहाँ कुछ टाइम दी के साथ रहूँगी और साथ ही अपने लिए जॉब भी देख लूँगी। है, मंजूरी मिल जाती है और नीलिमा दीदी से मिलने की खुशी में सब पैकिंग करने लग जाती है। बेटा ध्यान रखना वहाँ अपना। अगले दिन नीलिमा फ्लाइट से मुंबई पहुँचती है। मुंबई की बारिश के बारे में सुना तो बहुत था, पर आज इसे अपनी हथेलियों पर समेट रही थी नीलिमा। टैक्सी में बैठ भीगी हुई मुंबई का नज़ारा अलग ही दिख रहा था, जैसे ये बारिश कुछ कह रही हो। तभी नीलिमा अपनी दीदी के पास पहुंचती है। दीदी, मैं आ गई, कैसे हो आप सब? नीलिमा की बहन उसे देख बहुत खुश होती है और जीजा जी उसका सामान अंदर घर में ले जाते हैं। दोनों बहनें बहुत सारी बातें करती हैं। अरे भाई, डिनर करें या तुम दोनों मुझे भूखा ही मारोगी, नीलिमा के जीजा मजाकिया अंदाज में बोलते हैं। सब खाना खाने बैठते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। ओफो, अब कौन आया, नीलिमा की बहन अनु बोलती है कि तभी नीलिमा डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहती है, जीजा जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ। नीलिमा गेट खोलती है। सामने एक नौजवान हैंडसम, गालों में डिंपल लिए खड़ा था। अनुदी है? नीलिमा कोई जवाब नहीं देती, उसे देखते ही रह जाती है, जैसे कह रही हो, हाय, इसी के लिए तो मुंबई आई हूँ। हेलो, अनुदी है अंदर? वो लड़का अपना हाथ उसकी आंखों के आगे घुमाता हुआ बोलता है। नीलिमा होश में आती है। हाँ है, पर आप कौन? तभी अनुदी बोलती है, नीलिमा कौन है? वो लड़का जवाब देता है, दी मैं अर्जुन। ओह, तो इस हैंडसम का नाम अर्जुन है। नीलिमा मन में सोच के जैसे खुश होती है कि तभी अनुदी दरवाजे पे आती है। अरे अर्जुन, क्या हुआ इस वक्त? हाँ दी, वो मैं निकल रहा हूँ, ये घर की चाबी है, प्लीज माँ का ध्यान रखना। हाँ हाँ, ये कोई कहने की बात है, तुम जाओ। अर्जुन चला जाता है। दीदी ये कौन था और ये क्या चल रहा है, चाबी, माँ का ख्याल, कौन सी जॉब पकड़ ली आपने? नीलिमा के सवालों की बौछार हो जाती है। अरे बाबा रुको, जब मैं यहाँ आई थी तो तुम्हारे जीजा जी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और हमारी अर्जुन ने तब बहुत हेल्प की थी, बहुत अच्छा लड़का है। पर क्या दी? नीलिमा जैसे और जानना चाह रही थी कि तभी जीजा जी बोलते हैं, भाई खाना खाते हुए भी बात कर सकते हैं सब। सब खाना खाने बैठते हैं और नीलिमा की बहन अन्नू उसे सब बताती है। नीलिमा, जब मैं मुंबई आई थी तब तुम्हारे जीजा जी ऑफिस के कामों में व्यस्त थे। उन दिनों मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई, वो हमारी बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर रहता है, और उसकी माँ, बेचारे के पिताजी एक एक्सीडेंट में गुजर गए। बस अर्जुन और उसकी माँ ही रहते हैं, पर आंटी भी उस एक्सीडेंट का शिकार हो गई और अब चल नहीं पाती हैं। और अर्जुन का काम ऐसा है, वो अपने घर सिर्फ वीकेंड पे ही आता है, इसलिए मैं उनका ख्याल रखती हूँ। नीलिमा सब ध्यान से सुन रही थी कि तभी उसकी बहन, चलो अब सब सोते हैं, और सब सोने चले जाते हैं। नीलिमा अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर अर्जुन के बारे में सोचने लगी, जैसे थोड़ी देर की मुलाकात उसके लिए मुंबई आने का मकसद बन गई थी। दोस्तों कहते हैं ना, ये इश्क बड़ा निकम्मा होता है। वो कहते हैं ना, आपसे दिल लगाना तो खुदा की मर्जी थी,
वरना मिलना तो रोज हजारों से होता है। ये मन ही मन गुदगुदाती नीलिमा मुस्कुरा रही थी। लव एट फर्स्ट साइट जो हो गया था उसे अर्जुन से। रात तारों को गिनती हुई नीलिमा अपने अर्जुन के ख्यालों में खोई खोई सो गई थी। नीलू उठो, 9 बज गए हैं, चलो चाय पी लो। अनुदी सोने दो ना थोड़ा और। नीलिमा की नींद पूरी कहाँ हुई थी अर्जुन के ख्यालों से? नीलिमा उठती है और उसकी अनुदी नाश्ता तैयार कर जाने लगती है कि तभी, दी कहाँ जा रहे हो आप इतनी सुबह? मैं ऊपर जा रही हूँ 7 फ्लोर पे अर्जुन के यहाँ आंटी को देखने। तुम नाश्ता करो, मैं आती हूँ। रुकिए ना दी, मैं भी चलती हूँ। अरे पर नाश्ता तो कर लो। हाँ दी, 10 मिनट दो। नीलिमा जल्दी से नहाने चली जाती है और तेजी में नाश्ता करके अपनी बहन के साथ चलने लगती है। दोनों बहनें ऊपर 7 फ्लोर पे पहुँचती हैं। आंटी उठ गए आप? ये लीजिए मेडिसिन। ये कौन है अनु? अर्जुन की माँ सवाल करती है। सॉरी, मैं आपको मिलाना भूल गई। ये मेरी छोटी बहन है नीलिमा, दिल्ली से कल ही आई है। नीलिमा अर्जुन की माँ को नमस्ते बोलती है। अनु, अर्जुन तुम्हें परेशान कर जाता है मेरी जिम्मेदारी देकर। अरे आंटी ऐसा मत कहिए, जब दिल्ली से शादी करके यहाँ आई थी इस नए शहर में, आपने ही तो माँ जैसा प्यार दिया था। माँ अर्जुन की बातें होने लगती है और नीलिमा सुनने लगती है। अर्जुन मेरी बहुत चिंता करता है अनु, बस अब अच्छी सी लड़की मिल जाए तो इसकी शादी कर दो, पर कुछ बोलता ही नहीं है। कितना पूछती हूँ, बता कोई पसंद है तो। आंटी आप जानते हो ना, अर्जुन कम बोलता है और शायद उसे अभी ऐसा पार्टनर मिला ही नहीं जो उसे समझे। नीलिमा की बहन से अर्जुन की माँ सवाल करने लगती है, बेटा कब तक रहने का इरादा है यहाँ? और अब बहन के पास आई हो तो यहीं रहो, और तुम करती क्या हो वैसे? जी आंटी, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बस अब अच्छी जॉब देख रही हूँ। अप्लाई कर दिया है, तब तक दी के पास ही रहूँगी। ये सिलसिला चलता रहता है और जब भी वीकेंड आता है अर्जुन अपने घर माँ के पास होता है और उस दिन अन्नू दी की छुट्टी होती है। दी आज नहीं जा रहे आप ऊपर? नहीं, अर्जुन सैटरडे संडे आंटी के पास रहता है, तो मेरी ड्यूटी यूँ कह लो कि फ्राइडे तक होती है। नीलिमा को चैन कहाँ आ रहा था, और उसके पैर 2-7 फ्लोर की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए बेचैन थे। काश अर्जुन बुला ले या दीदी चले ऊपर। वो कहते हैं ना, इश्क की बेचैनियाँ रातों की नींद हराम कर देती है। नीलिमा अपने कमरे में थी कि तभी बेल बटन बजता है। नीलू देखो कौन है। नीलिमा गेट खोलती है, सामने अर्जुन खड़ा था। अनुदी कहाँ है? नीलिमा बस खो गई और हड़बड़ाते हुए जवाब देने लगी, दी अंदर है, बुलाऊं? जी बुला दीजिए। अनुदी आती है। अर्जुन क्या हुआ? दी वो माँ को मिर्च का अचार, आंटी को फिर मिर्च का अचार चाहिए, लाती हूँ, रुको आओ अंदर। अर्जुन अंदर आता है, नीलिमा उसे नज़रअंदाज करती हुई देखती है। इतना क्या अकड़ू है, ना बात करता है ना देखता है, पूछ ही ले आप कौन, खड़ूस कहीं का। अनुदी अचार देती हुई बोलती है, मैं आती हूँ आंटी से मिलने। अरे अर्जुन ये मेरी छोटी बहन है नीलिमा, और नीलू तुझे बताया था ना अर्जुन। दोनों की एक नज़र मिलती है और अर्जुन नीलिमा को हेलो बोल के चला जाता है। अकड़ू, नीलिमा मन ही मन की लस्ती है। कुछ दिन तक ऐसी चलता रहता है, अनुदी का अर्जुन के घर जाना और अर्जुन का वीकेंड पे आना। आज सुबह की नमी कुछ अलग थी, मुंबई की बारिश जोरों पे थी। काले बादल अंगड़ाई ले रहे थे। नीलिमा गैलरी में जाके अपने हाथों को बारिश की बूंदों से भर रही थी और आसमान में उछाल रही थी। नीलू कहाँ है, इधर आ, अनुदी ने आवाज लगाई। हाँ दी आई, क्या हुआ दी? नीलू आज तबीयत कुछ ठीक नहीं, तू जाएगी क्या आंटी को देखने? दवा देने और कुछ बना देना और शाम को नीचे आ जाना। हाँ हाँ दी मैं जाती हूँ, आप आराम करो। जैसे नीलिमा की आज मनोकामना पूरी हो गई हो।
आंटी जी, वो दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज आपके साथ हूँ। आइए मैं आपको पैरों में तेल लगा दूँ। आंटी ने उसके सिर पे हाथ रख के उसे प्यार किया और उसके गालों को सहलाया। फिर क्या था, सारा दिन और रातें नीलिमा अर्जुन की माँ के साथ बिताने लगी। दोनों में इतना गहरा रिश्ता बन गया कि अब अन्नू दी को जैसे ऑफिस वालों ने ये कह दिया हो कि मैडम आप एक लंबी लीव पर चले जाओ, अर्जुन आने ही वाला है, नीलू तुम जाओ आराम करो। पर जाने का मन कहाँ था नीलिमा का। जी ठीक है आंटी, उदास मन लिए नीलिमा जाने लगती है। गेट खोलते ही अर्जुन सामने खड़ा था। आप यहाँ, अर्जुन ने सवाल किया। हाँ वो दी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं। ओके थैंक्स, बस इतना कह अर्जुन अंदर चला गया। ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था उसे, बस माँ की देखभाल, उन्हें प्यार करना, ये देख नीलिमा बहुत खुश होती थी। फ्राइडे मॉर्निंग में नीलिमा चाय पी रही होती है कि तभी अन्नू दी बालकनी में आती है। नीलू तेरी जॉब का क्या हुआ, जहाँ अप्लाई किया था। दी बात हुई है, नेक्स्ट मंथ से शायद मैं ज्वाइन करूँ। आज अर्जुन के ऑफिस के काम से छुट्टी थी, पर इस बात से अनजान नीलिमा ऊपर जा ही रही थी कि अन्नू दी ने टोका। नीलू तुम रहन दो, मैं जाती हूँ। अरे दी कोई नहीं, मैं जाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है आंटी के साथ। उन्हें कथा पढ़ के सुनाना, बालों में तेल लगाना, उनसे बातें करना। अन्नू दी नीलू को एक टक देखती रही और बोली ठीक है तुम जाओ। दीदी जीजा जी ये देखकर खुश थे और हैरान भी कि इतनी जल्दी नीलिमा ने एक अच्छा रिश्ता बना लिया था आंटी के साथ। खैर, दुपट्टा संभाले मेहरून कलर का सूट पहने नीलिमा अपने गीले बालों को कंधे से पीछे करती हुई पहुंची तो देखा गेट खुला था। अरे गेट किसने खोला। अंदर देखा तो अर्जुन और उसकी माँ चाय पीते हुए हंसी के ठहाके लगा रहे थे। अर्जुन घर पे आज, वो रुकी कि तभी अर्जुन ने उसे देख लिया और कहा अरे आप, दी नहीं आई। नीलिमा उसे देख के बोली कि वो कुछ दिन से दी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं ही आया करती हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच, मेरे पीछे आप लोग ख्याल रखते हैं। इतने में अर्जुन की माँ आवाज़ लगाती है, बेटा नीलू आओ, अंदर आओ। अर्जुन अपने लैपटॉप पे काम करने लगता है और नीलिमा आंटी को चाय बनाकर देती है, उन्हें कविताएं पढ़ के सुनाने लगती है। लेकिन आज बार बार पढ़ते हुए हड़बड़ा क्यों रही थी, शब्द साफ क्यों नहीं आ रहे थे जुबान पर। अर्जुन भी ये देख के बीच बीच में हंस पड़ता। शाम बीतती है, नीलिमा जाने लगती है, अर्जुन अपने बुक्स पढ़ने में बिजी था। नीलू सुनो, कल मैं और तुम्हारे जीजा जी इनके दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तुम आओगी साथ। नहीं दी आप लोग जाइए, मैं अपने कुछ काम निपटा लूँगी ऑनलाइन। वीकेंड मॉर्निंग में दीदी और जीजा जी निकलते हैं। ध्यान रखना नीलू अपना घर पे, मुझे रात होगी आते हुए शायद, और आज तो अर्जुन भी घर पर है तो तुम घर पर ही रेस्ट करना ओके। ये कहते हुए अन्नू दी चली जाती है। नीलिमा बेचैन थी, अर्जुन से बात करना चाहती थी पर आज कोई बहाना नहीं है, क्या बोलूं कैसे जाऊं। ये सोचते हुए नीलिमा अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी घर का लैंडलाइन बजता है। हेलो कौन। नीलू मैं आंटी बोल रही हूँ। अनु कहाँ है। आंटी जी दीदी और जीजा जी बाहर गए हैं, क्या हुआ सब ठीक। हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, मुझे चाय बना के पिलाओगी। ज़रूर आंटी। खुश होते हुए एक्साइटमेंट में नीलिमा ऊपर की ओर कदम बढ़ाती है। गेट खोलने पे नज़ारा अलग था, हंसी के ठहाके लगाता हुआ अर्जुन बातें कर रहा था। नीला सूट पहने, बड़ी बड़ी बालियां, ये लड़की कौन थी। अर्जुन की क्लासमेट थी, पर ये नज़ारा नीलिमा को पसंद नहीं आया। वो जाके आंटी के लिए चाय बनाने लगी। आंटी चाय। बैठो नीलू, कहाँ जा रही हो। ये कहते हुए आंटी ने नीलिमा को पास बिठाया। ये अर्जुन की दोस्त है, स्कूल फ्रेंड शारदा, मुझे मिलने आया करती है कभी कभी। नीलिमा मन ही मन जलते हुए बोली, मिलने आई है तो अर्जुन से क्यों चिपकी है, बड़ी आई हाल चाल लेने, और कितना हंस रही है, आंटी के पास आके बैठे। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। ये कहते हुए शारदा जाने लगी। माँ मैं इसे नीचे तक छोड़ के आता हूँ।
नीलिमा को जैसे मन किया कि अर्जुन को बोल दे, यहीं रुक जाओ वरना टांग ही तोड़ दूंगी तुम्हारी। दोनों को नीचे गए आधा घंटा हो गया था और नीलिमा जैसे भुना हुआ तंदूर बन गई थी। ऐसी क्या बात कर रहे जो अब तक नहीं आया, हद हो गई। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। कि तभी अर्जुन ऊपर आया और नीलिमा को देख के बोला, अनुधि कहाँ है? दीदी डिनर पे गई है जीजा जी के साथ। कसकसाते हुए नीलिमा ने जवाब दिया, आंटी मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए। नीचे जाके नीलिमा ने गेट खोलना चाहा तो नहीं खुला, जल्दबाजी में लॉक कराई थी घर और चाबी अंदर रह गई थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, अब क्या करूं? नीलू अन्नू दी को फोन लगाती है। हेलो दी, आप कब तक आएंगी? नीलू हम आज नहीं आ रहे हैं, सुबह तक आएंगे, भारी बारिश की वजह से यहाँ सब बंद हो गया है, तुम ध्यान रखना। ओके दी, नीलिमा ने नहीं बताया कि घर अंदर से लॉक हो गया है और दूसरी चाबी अनु दीदी के पास हमेशा रहती थी। अब क्या था, सुबह तक का इंतजार, कहाँ जाऊँ? उसके कदम ना चाहते हुए वापस अर्जुन के घर की ओर पड़ते हैं। नीलिमा बैल बजाती है, अर्जुन गेट खोलता है। अरे आप, क्या हुआ? वो घर अंदर से लॉक हो गया और दूसरी चाबी दी के पास है और वो सुबह आएंगी। अर्जुन सारा हाल समझ गया और उसे अंदर बुलाता है। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। अर्जुन नीलिमा को दूसरे रूम में आराम करने को कहता है। रात को आंटी को डिनर करा के नीलिमा कमरे में सोने चली जाती है। आंटी भी सो चुकी थी पर नीलिमा, उसको नींद कहाँ आ रही थी? आज का नज़ारा दिमाग में घूम रहा था। रात के 1:30 बजे नीलिमा के रूम में दस्तक होती है। वो गेट खोलती है, अर्जुन था। नीलिमा उसे देख बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई? अर्जुन अंदर आके बैठ जाता है, नीलिमा भी बैठ जाती है। एक खामोशी थी दोनों के बीच कि तभी अर्जुन नीलिमा के पास जाके बैठता है, बहुत पास, और नजदीक आके शरारती अंदाज में बोलता है, नीलिमा कॉफी हो जाए। नीलिमा हंसती है और कॉफी बनाने जाती है कि तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ता है। नीलिमा घबरा जाती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। अर्जुन उसके बहुत नजदीक आके बोलता है, शारदा सिर्फ मेरी दोस्त है, पर मैंने महसूस किया कि तुमको उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया। नीलिमा हड़बड़ाकर जवाब देती है, नहीं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अर्जुन उसके पास आता है और आंखों में आंखें डाल कर कहता है, नकचड़ी कहीं की। नीलिमा शर्मा जाती है। दोस्तों, प्यार अपनी जगह ढूंढ ही लेता है, जैसे अर्जुन को नीलिमा के प्यार ने ढूंढा। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी प्रेम कहानी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी अगली नई प्रेम कहानी के साथ। टेक केयर।